आदमी के पास अगर खोने के लिए कुछ भी ना हो तो बहुत ही डेंजरस बन जाता है। आज के हमारी मूवी में एक छोटी सी लड़की को किडनैप कर लिया जाता है और एक परफेक्ट किडनैपिंग है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रैप, जो 2002 की एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी है। इसमें के अलग अलग ट्विस्ट आपको आपकी सीट के एज पर रखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है जो, एक छोटी लड़की के मदर के साथ एक गाड़ी में बैठा हुआ था। एक्चुअली जो ने इसकी बेटी को किडनैप कर लिया है, अब उसे सब कुछ पैसे मिल चुके हैं, तो ये मदर बहुत ही वरीड होती है। उसे लगता है शायद जो ने उसकी बेटी को मार डाला। जो ने कहा, मैंने कभी भी किसी भी छोटी लड़की को हर्ट नहीं किया। ये मदर जो को मारने लग गई। जो कहता है, हमारे बीच के लास्ट 24 आवर्स अच्छे थे, अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मैं अपना माइंड चेंज कर दूं। थोड़ी देर में जो को अपने पार्टनर मार्विन का कॉल आया। वो फिर मदर को कहता है, इस प्लेग्राउंड में तुम्हारा बेटा खेल रहा है। मदर को भी उसका बेटा मिल गया। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है। मदर का नाम है कैरन, फादर का नाम है विल, उनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है एबी। विल एक एनेस्थोलॉजिस्ट डॉक्टर है और एक कॉन्फ्रेंस के लिए अपने प्लेन से जा रहा था, क्योंकि उसे वो फ्लाई करना आता है। उसी को छोड़ने के लिए कैरन और एबी उसके साथ आए थे। अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता है। उसे हक कर कर वो प्लेन में बैठ गया। जाते जाते प्लेन को मूव भी करता है, क्योंकि उसकी बेटी को देखना अच्छा लगता है। एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है। इसके बाद कैरन और एबी ये घर पर आए। जैसा इनका हमेशा का रूटीन होता है वैसा ही वो कंटिन्यू करते हैं। अचानक से जो और मार्विन ये उसके घर पर पहुंच गए। एबी दूसरे रूम में थी। उसे अकेला देख जो और मार्विन उसे बेहोश कर देते हैं। जो घर में ही रुकता है और मार्विन एबी को लेकर चला गया। कैरन एबी को आवाज लगाती है। कैरन को इस सब के बारे में पता ही नहीं था। उसे लगा कि एबी टीवी देख रही है। उसने आवाज लगाया पर एबी का कोई भी आवाज नहीं आया। वो सारे घर को चेक करती है पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो बहुत ही ज्यादा डर गई। जल्दी से जाकर अपने कबर में से गन निकाल लेती है। यहाँ से भागने के लिए डोर के पास आए, जहां पर लिखा है कि एक बहुत ही बैड आइडिया है। उसके पीछे जो खड़ा था। कैरन डर कर उस पर गन लगाती है। जो कहता है, एक बहुत ही बैड आइडिया है, तुम्हारी बेटी मेरे कजन के साथ है। अगर हर 30 मिनट्स में मैंने उसे फिर से कॉल नहीं किया तो तुम्हारी बेटी को मार डालेगा। तुम वरी मत करो, एक परफेक्ट किडनैपिंग है। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही नेक्स्ट 24 आवर्स में होने वाला है। कैरन डिस्टर्ब हो चुकी थी और अब भी गन उसकी जो पर थी। जो कहता है, अगर तुमने शूट किया तो उस गोली से दो लोग मरेंगे, मैं और तुम्हारी बेटी। ये सुनकर कैरन शांत हो गई। जो अपॉर्चुनिटी उठाकर उससे गन ले लेता है। जो ने उसे अश्योर किया, तुम्हारी बेटी को कुछ भी होने नहीं वाला। जिन्हें भी हमें किडनैप किया था अब वो आराम से खेल रहे हैं। सब पेरेंट्स ने हमारे रूल्स फॉलो किए थे, तुम्हें भी वही करना चाहिए। इसके बाद विल अपने कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुका है। नेक्स्ट सीन में फिर से हम कैरन और जो देखते हैं। कैरन जो से पूछती है, तुम अभी के अभी सब पैसे क्यों नहीं ले लेते। जो ने कहा, जनरली कोई भी किडनैपिंग सक्सेस नहीं होती। इसका रीजन यही होता है कि किडनैपर जल्द से जल्द पैसे चाहते हैं। हमने अब तक 4 किडनैपिंग की, FBI हमें अब तक पकड़ नहीं पाई। ये जो मेरा प्लान है एक मशीन की तरह है, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो सब कुछ बिगड़ सकता है। जो ने कहा, नेक्स्ट 24 आवर्स में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ प्लान से चल रहा है। कैरन कहती है, वो 24 आवर्स जी नहीं सकते, उसे अस्थमा है। जो को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। कैरन ने उसे प्रूव किया तो वो भी डर जाता है। उसने फिर मार्विन को कॉल लगाया। ये सब प्लान में नहीं था पर फिर भी उसे करना पड़ता है। वो मार्विन से पूछता है, क्या एबी अभी भी जिंदा है। वो सिर्फ बेहोश थे पर अभी भी जिंदा थे। इन सब के जान में जान आई। कैरन जो से कहती है, मुझे उसके पास लेकर चलो, उसे हम मेडिसिन देकर वापस आ जाएंगे। जो पूछता है, ये मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। कैरन कहती है, तुम जो चाहे वो मैं करने के लिए रेडी हो। इसके पैरेलल में विल को हम लेक्चर देता हुआ देख सकते हैं। ऑडियंस में एक लेडी थी जो सिर्फ उसे ही देख रही थी। वो जब अपने होटल रूम पहुंचा तो वो भी उसके पास आ गई। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। विल कहता है कि मैं मैरिड हूँ, ये सब कुछ कर नहीं सकता। इस लेडी का नाम था शेरिल और वो कहती है, तुम्हारी बेटी को हमने किडनैप कर लिया है, जल्दी से रूम में चलो, जो भी मैं कहूंगी ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। विल जल्दी से भागकर डोर बंद करने की कोशिश करता है पर शेरिल ने उसे कंट्रोल में कर लिया। उस पर वो गन लगाती है।
उसने कहा कि अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे। अगर तुमने मुझे कुछ किया और मैं 30 मिनट में कॉल आंसर नहीं कर पाए तो भी तुम्हारी बेटी मर जाएगी। ये तुम कल जाकर अपने यहाँ के लोकल बैंक से 250 डॉलर्स निकालोगे। विल कहता है ये बहुत ही सस्पिशियस लगेगा। शेरिल कहती कि इसकी वरी मत करो, हमें पता है तुम हमेशा पेंटिंग बाय करते रहते हो, यही रीजन तुम बैंक को बता देना। विल कहता है मैंने तुम्हारा फेस देख लिया है, तुम मुझे जिंदा छोड़ नहीं सकती। शेरिल कहती है अगर तुमने कुछ भी किया तो मेरा पार्टनर आकर तुम्हारी बेटी को मार कर चला जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम एबी को मार्विन के साथ देखते हैं। एबी को होश आया, उसकी मदर आसपास नहीं थी तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। मार्विन उसे समझाता है सिर्फ आज रात के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। एबी बहुत रोती है। इसके बाद शेरिल ने जो को कॉल लगाया, वो कहती है कि व्हील जरा स्मार्ट है, वो ट्रबल क्रिएट कर सकता है। जो उसे फ़ोन पर बात करता है, कहता है तुम्हारी वाइफ मेरे पास है, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं एक झटके में उसे मार डालूंगा। उसने फिर कैरन और विल की बात करवाई। कैरन विल से कहती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। विल जो को एबी की सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। जो ने कहा जैसा मुझे सही लगेगा वैसे मैं सब चीज़ें करूँगा। इसके बाद जो कैरन जाकर एबी को मिलने वाले थे, उसे वो मेडिसिन दे देंगे। अचानक से एबी को अस्थमा का अटैक आ गया। कैरन मार्विन को कहती है कि उसे थोड़ी सी कॉफ़ी दो, इससे उसे सही लगेगा। थोड़ी देर के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके बाद कैरन और जो गाड़ी में थे। जो पूछता है तुम डॉक्टर से मिली कैसे थी, मुझे गेस करने दो, तुम नर्स थी, विल से मिली, उसे डॉक्टर बनने के लिए सब पैसे तुमने ही दिए। कैरन सरप्राइज थी जो को ये सब बातें पता है। इसके बाद ये एबी के पास पहुंच गए। मार्विन भी एबी को अपने घर से दूर एक स्पॉट पर लेकर आया था। कैरन एबी से मिली और एबी रो रही थी। कैरन कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा मार्विन कहेगा वैसा ही तुम सब करना, अगर बाथरूम जाओगी तो उसके साथ मत जाना। वो एबी को उसे कहाँ रखा है इसकी लोकेशन पूछ रही थी, पर एबी को कुछ भी पता नहीं। इन्होंने मेडिसिन एक्सचेंज कर ली है, पर कैरन एबी से दूर जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। जो कहता है कि सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ, इस सिचुएशन को कंट्रोल में ही रखो। जो ने विल को कॉल किया, उसे मेडिसिन के बारे में बता दिया। विल बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था, वो रोने लग गया था। शेरिल उसे टिश्यू पेपर देती है तो उस पर छेड़कर उसे वो मारने लगता है। शेरिल के कपड़े फट गए थे तो रुक गया, कहता है तुम्हें तो बहुत सारी मार पड़ी है, क्या तुम्हें कोई मारा करता है, इस सब से निकलने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शेरिल कहती है सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एबी ने जो और मार्विन को बात करते हुए सुना था, वो किसी केटी के बारे में बात कर रहे थे। मार्विन को लगता है कि एबी भी केटी की तरह ही है, तो इसके बारे में एबी ने मार्विन से पूछा। वो पूछती है क्या वो तुम्हारी डॉटर थी, मार्विन कहता है कि मेरी फैमिली थी। इसके बाद शेरिल ने जो को कॉल लगाया, कहा कि डॉक्टर ने मुझे मारा है। जो विल से बात करता है, कहता है कि ये सुनो, उसने कैरन को जोर से मारा और कहा मेरी वाइफ को हर्ट मत करना वरना वही मैं तुम्हारी वाइफ के साथ भी करूंगा। जो ने कैरन को सॉरी कहा, वो कहता है कि मुझे वो करना ही पड़ा। वो उसे मलम वगैरह लगा रहा था तभी उसे किस करने लग गया। अचानक से कैरन की नेबर वहां आ जाती है। जो कहता है जल्दी से उसे यहाँ से बाहर भेज दो। कैरन नेबर से बात करती है पर नेबर ने जो को देख लिया था। कैरन कहती है जो विल का ही एक कलीग है। नेबर ने पूछा तुम विल से मिले कहाँ थे, जो इसके बारे में बता नहीं पाता। कैरन कहती है कि विल को नहीं जानता, ये मेरा फ्रेंड है, यानी कि उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है। उसकी नेबर सरप्राइज हो गई, कहती है मुझे पता नहीं था तुम में और विल में कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके बाद यहाँ से चली जाती है। जो कैरन से कहता है तुम्हारी नेबर अभी भी हमको देख रही है, उसने उसे किस कर लिया और वहाँ कोई भी नहीं था। विल शेरिल की बॉडी पर एक स्कार नोटिस करता है, कहता है तुम्हें भी एक बेबी है, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। इसके बाद जो चाहता था कि वो कैरन के साथ इंटीमेट हो, कैरन को भी वो जो भी कहता है वो सब करना पड़ेगा। वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए बेडरूम में गया, तभी कैरन इंटरनेट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है पर इसकी वॉयस कट थी। जो के आने के बाद कैरन उससे पूछती है तुमने हमें चूज क्यों किया। जो कहता है सब लोगों को डॉक्टर होना पड़ता है, उनकी वाइफ तुम्हारी तरह प्रिटी होनी चाहिए। कैरन पूछती है हमारे नाम तुम्हें मिले कैसे, जो कोई भी आंसर नहीं देना चाहता। वो कैरन को एबी के रूम में लेकर गया, कहता है अगर तुम चाहती हो कि एबी सही सलामत रहे तो
तुम्हें जो कहूंगा यही सब तुम्हें करना पड़ेगा। वो उसे फिर कपड़े निकालने के लिए कहता है। कियारा ने कहा कि मुझे शर्म आती है, मैं बाथरूम में जाकर निकालती हूँ। बाथरूम में उसने सब कुछ चीजें ढूंढी। उसे विल का एक स्कैपल मिल गया, इसे अपने कपड़ों में छुपा लेती है। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि अभी मार्विन को बताती है मुझे जरा भूख लगी है। मार्विन उसके लिए पॉपकॉर्न बना रहा था, तभी टीवी की आवाज में एबी जल्दी से वहां से भाग गई। मार्विन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसी के पैरेलल में कैरन जो के साथ इंटीमेट होने लग गई। जब जो का ध्यान नहीं था तो जल्दी से स्कैपल निकाल लेती है। उसने स्कैपल जो के औजार पर लगाया। वो कहती है कि मार्विन को कॉल लगाओ वरना तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट में काट दूंगी, उसे अभी के अभी यहाँ बुलाओ। जो मार्विन को कॉल लगाता है पर मार्विन एबी को ढूंढ नहीं पा रहा था, वो कॉल उठाता नहीं। ये सब बात सुनकर कैरन डिस्टर्ब हो गई। जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैरन को मारता है पर कैरन ने उसके लेग्स पर एक बड़ी सी जख्म कर दी थी। वो जल्दी से भागकर बाथरूम में गए। उसने एबी को कॉल लगाया। एबी कहती कि मैं जंगल में हूँ, कहाँ है उसे पता नहीं। कैरन बताती है कि जल्दी से हाईवे की तरफ भागो, पुलिस को कॉल कर दो, वहां पर कोई ना कोई तुम्हें हेल्प कर देगा। पर तभी मार्विन ने एबी को ढूंढ लिया। फिर से सब सिचुएशन जो कि कंट्रोल में आ चुकी थी। कैरन ने बाथरूम से विल को मैसेज कर दिया था, कहती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो तुम्हें हॉस्पिटल से जानता है। विल के पास एक एनेस्थीसिया था, वो फिर शैरिल के पास आया। वो कहता है अगर मैंने तुम्हें इंजेक्ट किया तुम सांस भी ले नहीं पाओगे, तुम्हारी सारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, मुझे तुम बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। शैरिल मानती नहीं तो जल्दी से उसे एनेस्थीसिया दे ही देता है। शैरिल को बहुत तकलीफ होती है। वो मरने से पहले डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया दिया। शैरिल कहती है जब तुमने मेरी बेटी को मारा क्या उसे भी ऐसा ही लग रहा था। शैरिल अपनी बेटी की फोटो विल को दिखाती है। विल उसे पहचान लेता है, कहता है ये मेरी गलती नहीं थी, सर्जन ने तो शैरिल को यही बताया था। विल ने कहा कि एक्चुअल में सर्जन की गलती थी पर वो कवर अप करने के लिए उसने सब कुछ मुझ पर डाल दिया। मेरी भी एक बेटी है, मैं कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता। जो फिर कैरन को उसे मलम पट्टी करने के लिए कहता है। उसे मार्विन को कॉल करने का टाइम हो चुका था पर कैरन ने उसे कट किया तो उसे सजा दे रहा था। कॉल आया नहीं तो मार्विन एबी को मारने वाला था, तभी जो को जरा बुरा लगा, उसे कॉल कर देता है। मार्विन कहता है फिर से ऐसा कुछ भी मत करना, मैं उसे मारने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं शैरिल ने विल को एबी की अप्रोक्सीमेट लोकेशन बता दी है। विल के कॉन्टैक्ट अच्छे थे, उसका फ्रेंड जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता था उसे कॉल किया। वो कहता है अपने बॉस को बोलकर प्लीज इस नंबर को ट्रेस करवाओ, पुलिस को कॉल मत करना क्योंकि मेरी बेटी किडनैप हो चुकी है, अब रात बीत चुकी है। विल के फ्रेंड को लगता है कि उन्हें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। जल्दी से शैरिल फोन कट कर देती है, कहती है सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो विल तुम्हारी बेटी को मार डालेगा। इसके बाद जो कैरन को लेकर उनकी लोकेशन पर जा रहा था, जो नोटिस करता है कि उनके ऊपर हेलीकॉप्टर है। उसने एक प्लान बनाया, वो एक अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर दूसरी गाड़ी ले लेता है। उसका शक सही था, अब नेक्स्ट गाड़ी में उसे कोई भी हेलीकॉप्टर फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन में विल जब बैंक में पैसे लेने के लिए गया तो एफबीआई ऑलरेडी वहां थे। विल के फ्रेंड ने उन्हें कॉल कर दिया था, कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पैसे तुम लेकर जाओ, सिर्फ एक वायरलेस माइक तुम पहनना, इससे हमें सब कुछ पता चलता रहेगा। इसके बाद विल ने शैरिल को कॉल लगाया। वो कहता है प्लान चेंज हो चुका है, अब हमारी लोकेशन पर तुम फ्लाइट से आना, हम तीनों मिल नहीं सकते। शैरिल कहती तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते, अब इस बार क्या हुआ। जो कहता है ये सब मेरे ही रूल्स है, तुम फॉलो करना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शैरिल को लगता है कि जो अब एबी को मार डालेगा। वो डर गई थी, वो डायरेक्टली मार्विन को कॉल लगाती है, उसे बता देती है प्लीज एबी को बचा लो। विल ने शैरिल को कहा मुझे मेरे प्लेन के पास लेकर चलो, वो प्लेन से जल्दी से विल को ढूंढ सकते हैं। फिर से जो ने विल को कॉल लगाया था, जो को प्लेन में है ये समझ में ना आए इसलिए अपने प्लेन का इंजन बंद कर देता है। प्लेन नीचे गिर रहा था वैसे ही वो दोनों बात करते हैं। जो कहता है तुम अपने होटल में रहना, कुछ भी करना मत। विल सबके लिए हाँ कहता है। फोन खत्म होने के बाद विल ने जैसे तैसे फिर से अपने प्लेन को कंट्रोल में कर लिया। फ्लाई करते हुए जो जिस रोड पर है वहीं पर विल पहुंच जाता है। जो पहचान गया कि डॉक्टर ही है, वो कुछ करे इससे पहले ही कैरन उसे मारने लग जाती है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और रास्ते के नीचे गिर गई।
विल सारी ट्रैफिक रोकने के लिए अपने प्लेन को रास्ते पर ही लैंड कर देता है। उसके प्लेन से एक गाड़ी टकरा गई थी, ये प्लेन फट सकता था पर वो बच गया। जल्दी से भागकर वो जो की कार के पास आया, यहाँ पर कैरन बेहोश पड़ी थी। जो विल को देखकर उसके पैर पर गोली मार देता है। उन्होंने कहा, ये मुझे पूरी लाइफ में हर दिन जिस तरीके से लगता रहता है यही फीलिंग पूरी लाइफ तुम्हें आएगी। विल ने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने तुम्हारी बेटी को मारा नहीं था, पर जो किसी भी बात को मानता नहीं। जो भागकर शेरिल के पास आया और शेरिल के साथ ही एबी थी। वो उसे कहता है, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे, यानी कि अपने साथ एबी को भी भगाकर लेकर जाने वाला था। शेरिल कहती कि यह सब गलत है, हमें कर नहीं सकते। जो उसे समझाता है कि हम फैमिली की तरह रहेंगे। अचानक से एबी को फिर से अस्थमा की तकलीफ होने लग गई। अब कैरन गाड़ी से बाहर आ चुकी थी, उसके पास एक गन भी है। मार्विन एबी को अपने पास ले लेता है। विल लंगड़ाते हुए ही जो से फाइट करने लग गया था, इस फाइट के एंड में वो को मार डाला। वो एबी को मेडिसिन देते हैं। जो ने सब कुछ किया, ये सब मार्विन और शेरिल नहीं चाहते थे। वो यहाँ से भाग जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल हुआ। विल, एबी, कैरन फिर से एक साथ है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।